नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, आजकल गाड़ियों में हीटर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सर्दी से बचना है इसलिए। पर अगर आपकी गाड़ी में कहीं हीटर ही प्रॉब्लम कर रहा है तो कैसे आप उस चीज़ को मैनेज करोगे? आप हीटर ऑन करते हो और वहाँ से गर्म हवा आने के बजाय थोड़ा ठंडी हवा आ रही है, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे? ठंडी हवा आना, जैसे आप एसी ऑन करते हैं उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे हमारा कंप्रेशर हो गया, हमारा एसी का गैस हो गया, बहुत सारी चीज़, कंडेंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वर्किंग में रहती हैं। बट अगर मैं इसका हीटिंग की बात करूँ तो हीटर जो होता है हमारा, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है हमारे कूलेंट के साथ। जो कूलेंट हमारा रेडिएटर में होता है, जो कूलेंट हमारा गाड़ी के इंजन को, इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आता है। तो आप बोलोगे कि अच्छा, वो तो थोड़ा उसको मेंटेन करता है, गाड़ी के इंजन को टेम्परेचर को ठंडा करता है, इंजन को थोड़ा कूल करता है, बट ये गर्म हवा कैसे देगा? तो इसके बीच में थोड़ा सा एक लॉजिक है, कनेक्शन है। तो आज इसी वीडियो में ये समझेंगे कि अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको, गर्म हवा के बजाय ठंडी हवा आ रही है, तो कैसे आ रही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा जो रेडिएटर है उसमें जो कूलेंट का लेवल है वो बहुत कम रह गया है। कूलेंट का लेवल किसी भी वजह से कम हो सकता है, लीकेज हो सकती है, या काफ़ी टाइम से आपने उसको रिफिल नहीं करा है, आपने उसको टॉपअप नहीं किया है, तो भी कूलेंट का लेवल जो है वो कम हो सकता है। तो जब कूलेंट का लेवल कम हो जाता है, अब कूलेंट का मेन काम होता है कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इंजन से एक्सेस हीट को अब्जॉर्ब करते रहना। और जब वो एक्सेस हीट एब्जॉर्ब करता रहता है इंजन की, तो उस टाइम पर वो खुद गर्म होता रहता है। तो खुद गर्म होना भी ज़रूरी है क्योंकि वहीं से हमें गर्म हवा मिलेगी। अब मान लो कि कूलेंट का कूलेंट आपके ऑलरेडी कम है, तो वो क्या करेगा, कॉइल तक नहीं पहुंच पाएगा। एक हमारा डैशबोर्ड के पीछे जो है हमारा एक हीटर का मैट्रिक्स कॉइल रहता है, वो होता है हमारे डैशबोर्ड के पीछे। और कूलेंट, अब सोचो कूलेंट किस तरह से काम करता है। कूलेंट होता है रेडिएटर में, रेडिएटर में वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो रेडिएटर से एक पाइप के थ्रू वो जो डैशबोर्ड के पीछे एक मैट्रिक्स होती है, इस तरह से ट्यूब्स होते हैं, उस मैट्रिक्स में से गुजरता हुआ फिर दोबारा से वापस रेडिएटर में चला जाता है। अब जब ये प्रोसेस हो, उस दौरान पे उसने उस मैट्रिक्स को, ट्यूब मैट्रिक्स को हीटअप कर दिया। ट्यूब मैट्रिक्स जैसे हीटअप हो गई, तो उसके बाद ब्लोअर उसके पीछे लगा होता है, और जब ब्लोअर ब्लो करता है हवा, तो मैट्रिक्स में से पास होकर आगे जाती है, तो मैट्रिक्स से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर हमारे गाड़ी के कैबिन में वो गर्म हवा पहुंच जाती है। तो आप शायद समझो इस चीज़ को कि कूलेंट, गर्म कूलेंट हमारा किस तरह हमें हेल्प करता है गर्म हवा हमारे गाड़ी के कैबिन तक पहुंचाने के लिए। तो मेन रोल जो मैं आपको बता दिया, एक कूलेंट और जो हमारा डैशबोर्ड के पीछे एक जो हमारा हीटर कॉइल का जो मैट्रिक्स लगा होता है, हीटर कॉइल मैट्रिक्स इसको टेक्निकल नेम हम बोलेंगे, तो वहाँ पे वो लगा होता है, तो वो रेडिएटर का कूलेंट उसमें से फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमको ब्लोअर के थ्रू गर्म हवा हमारे कैबिन में मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि अगर हमारा कूलेंट कम होगा तो ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अगर कूलेंट कम हुआ तो मैट्रिक्स तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जो मैट्रिक्स तक नहीं पहुंचा, हीटर मैट्रिक्स तक नहीं पहुंचा, तो हीटर मैट्रिक्स का ट्यूब गर्म नहीं होगा, फिर आप ब्लोअर चलाओ तो वो ठंडी हवा ही देगा ऑफकोर्स। सेकंड में बात करता हूँ एयरलॉक। अगर हमारे कूलेंट में कहीं एयर ट्रैप हो गई है, जैसा एक वीडियो बनाया था मैंने, वो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे बनाया कि हाइड्रोलिक जो फ्लूइड होता है उसमें भी ब्लीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें भी ब्लीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जो कूलेंट होता है हमारा, अगर उसमें एयर कहीं ट्रैप हो गई है तो उसमें ब्लीडिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो जब तक ये ब्लीडिंग प्रोसेस नहीं होगा, तब भी आपको जो हवा जो है वो कूलेंट जो है वो हवा ठंडी ही मिलेगी। ओके, तीसरा मैं बात करता हूँ हीटर कंट्रोल वॉल्व। हीटर कंट्रोल वॉल्व जो होता है ये डैशबोर्ड के पीछे होता है। हीटर नॉब जो होती है हमारी, जिसको हम ऑन करते हैं एसी मोड से, दूसरा हम हीटर मोड पे जब ले, जब उसको ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जो हवा आती है वो गर्म आती है। अब गर्म, जैसे मैंने पहले बताया कि वो ब्लोअर पीछे ऑन हो जाएगा, ब्लोअर ब्लो करेगा हवा को, जो हमारा हीटर कॉइल मैट्रिक्स है उसके ऊपर से गुजरेगी, और वो हवा फिर गर्म होकर वापस हमारे उसमें आ जाएगी, हमारे कैबिन में आ जाएगी। बट जिस पासिस से वो हवा आ रही है, उस पासिस को खोलना और बंद भी करना पड़ता है, तो वो बंद करता है हीटर कंट्रोल वॉल्व। अगर हमारा हीटर कंट्रोल वॉल्व ही ख़राब है, तो हमें फिर हीटर कंट्रोल वॉल्व जो है वो बदलना पड़ता है। पुरानी गाड़ियों में बात करूँ, हीटर कंट्रोल वॉल्व की बजाय वहाँ पे होते थे फिजिकल फ्लैप होते थे। मीन जैसे उसको ऑन किया तो फिजिकल फ्लैप इस तरह से खुल जाता था, जब उसको बंद किया तो फिजिकल जो फ्लैप था वो बंद हो जाता था। बट आजकल जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड वॉल्व हैं, जो
इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी जो है वोल्टेज से ओपन होते हैं, वोल्टेज से ही वो क्लोज होते हैं। फोर्थ मैं बात करता हूँ थर्मोस्टैट। अगर थर्मोस्टैट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो जो मैं वीडियो बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर लें। थर्मोस्टैट का काम है क्या काम है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। तो अगर कहीं थर्मोस्टैट का वॉल्व आपका खराब है, मीन्स अगर थर्मोस्टैट वॉल्व आपका जैम हो गया है और जैम हुआ है वो ओपन पोजीशन में, तो क्या होगा कि जो रेडिएटर का कूलेंट है, सॉरी जो इंजन का कूलेंट है, वो इंजन से रेडिएटर और रेडिएटर से इंजन तक ऑल द टाइम जो है वो फ्लो करता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि इंजन में कुछ देर तक वो सर्कुलेट होता रहे, जब वो एक टेम्परेचर तक आ जाता है फिर उसके बाद वो थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है कि वो ओपन हो जाता है और जो इंजन के अंदर जो कूलेंट होता है जब वो गर्म हो जाता है तो उसको अलाउड करता है कि रेडिएटर में चला जाए और वहाँ पे ठंडा होकर दोबारा से वापस आए। बट अगर हमारा थर्मोस्टेट वाल्व ऑलरेडी जैम्ड हो गया, वो भी ओपन पोजिशन में, तो कूलेंट जो है वो इंजन से बाहर निकलता रहेगा, पंप जो है वो फोर्स करता रहेगा रेडिएटर से कूलेंट को इंजन में, और इंजन से वो वॉल्व ऑलरेडी खुला है तो वहाँ से फिर वो एक सर्कुलर मोशन में, जो एक चेन में जो है वो चलता रहेगा जब तक कि हमारा थर्मोस्टेट वॉल्व जो है वो ठीक नहीं होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो कूलेंट है वो गर्म एक टेम्परेचर तक आ ही नहीं पाएगा, वो ठंडा ही रहेगा, तो उसकी वजह से भी हमें फिर जो है वो गर्म एयर नहीं मिल पाएगी, चाहे वो हमारी कॉइल में फिर वो फ्लो होता रहे, जो हमारा मैट्रिक्स कॉइल है उसमें फ्लो होता रहे, तब भी हीटअप उतना नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से हमें ठंडी हवा मिलेगी। उसके बाद बात करता हूँ लास्ट पॉइंट, अगर हमारा जो मैट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ कॉइल मैट्रिक्स, अगर वो ब्लॉक्ड हो गई हैं, अगर उनमें कुछ कचरा फंस गया है या कुछ और चीज़, तो भी हमारा एज यूजल जो है वो हमें ठंडी हवा ही मिलेगी या गर्म हवा हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स जो ट्यूब होते हैं बीच में से ट्यूब होते हैं, तो ट्यूब में कहीं कचरा फंस गया और वो ब्लॉक्ड हो गई है, तो उसके लिए हमें या तो उसको फ्लश करना पड़ता है बाहर निकाल के, दोबारा से पानी से फ्लश करना पड़ता है, या फिर कंप्रेस्ड एयर से, जो हमारा कंप्रेस्ड एयर होता है उसको लगा कर फ्लश करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन मैकेनिक। तो जब तक ये नई चीज़ें ठीक होंगी तब तक आपको वो ठंडी हवा ही मिलेगी केबिन के अंदर। तो अगर आपके गाड़ी में, आपके इस सिस्टम में हीटर से हीटिंग सिस्टम में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इन पॉइंट में से कुछ एक पॉइंट ज़रूर होगा। तो एज यूजल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्लिक कर दें, बेल बटन आएगी उसको क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।